वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञान वर्धक जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए जानते हैं कि मार्ग शीर्ष शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी, जिसे कि मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। वैसे तो हर एकादशी का अपना अपना विशेष महत्व होता है। एक वर्ष में कुल मिलाकर 24 एकादशी का व्रत होता है। अगर मल मास हो, जिसे कि अधिक मास कहा जाता है, अगर अधिक मास हो तो वह दो और मिलकर के 26 एकादशी का व्रत हो जाता है। मार्ग शीर्ष अग्रहण माह शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु का कृपा दृष्टि बना रहता है। इसका उपवास करने वाले मनुष्य का ही नहीं बल्कि उनके पितरों का भी भला करता है। अपने किसी सगे सहोदर मित्र बंधु बांधव इस उपवास का फल अगर उनको अर्पण किया जाए तो उनके पापों व क्लेशों का भी नाश हो जाता है। मोक्षदा एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य जातक के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भी मनुष्य एकादशी का व्रत करते हैं उनके सभी पाप नष्ट होते हैं और उन्हें अनंत पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। मनुष्य तभी सुखों को प्राप्त कर पाता है जब उसके पास पुण्य अधिक हो। मनुष्य का जब पाप और ताप नष्ट होता है तभी उनके पुण्यों का उदय होता है। जब पुण्यों का उदय होता है तभी जाकर के मनुष्य को सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं कि मोक्षदा एकादशी व्रत में क्या किया जाए। एकादशी व्रत करने वाले जातक को दशमी की रात्रि से ही व्रत का पालन करना चाहिए। दशमी की रात्रि में सात्विक और शुद्ध भोजन ग्रहण करें। इस दिन प्याज लहसुन का प्रयोग बिल्कुल ही ना करें। रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करें। अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने सभी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी या घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करें। स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करें। उसके बाद मन में संकल्प लें कि हे प्रभु, हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, आज मैं आपके मोक्षदा एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ, आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। उसके बाद भगवान विष्णु का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करते हुए भगवान विष्णु का पूजन करें। यह मंत्र भगवान विष्णु का द्वादश मंत्र का जप है। राम कृष्ण नारायण आदि विष्णु के सहस्त्र नाम को कंठ का भूषण बनाए और इस दिन पूजन करते हुए इस दिन आप भगवान त्रिलोकीनाथ का भी पूजन कर सकते हैं तो यह बहुत ही लाभकारी होगा। एकादशी व्रत करने वाले को इस दिन बिल्कुल ही क्रोध ना करे। सभी को प्यार दुलार दे। महिलाओं का सम्मान करे। बच्चे बुजुर्गों की सहायता करे और किसी के ऊपर क्रोध ना करे। क्रोध करने से मनुष्य के पुण्य नष्ट होते हैं, इसलिए किसी के ऊपर क्रोध न करना चाहिए। इस व्रत को करने से दिव्य फल की प्राप्ति होती है, उससे कि मनुष्य के सारे जीवन के कष्ट समाप्त हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार भगवान विष्णु का पूजन करें। इस दिन एक अच्छे स्थान पर या भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर के उनका पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। सबसे पहले भगवान विष्णु को जल से उनका अभिषेक करें, उसके बाद पंचामृत से अभिषेक करें, फिर शुद्ध जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है तो अक्षत के जगह भगवान विष्णु को तिल चढ़ाए, उसके बाद भगवान को चंदन चढ़ाए, पुष्प चढ़ाए, तो भगवान विष्णु को कमल का पुष्प चढ़ाए।
तो बहुत ही लाभकारी होगा। उसके बाद भगवान को पीला वस्त्र चढ़ाए, फिर भगवान को धूप और दीप दिखाए। धूप दीप दिखाने के बाद भगवान को अनेक प्रकार का नैवेद्य चढ़ाए, माखन मिश्री आदि चढ़ाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अनेक प्रकार का नैवेद्य चढ़ाते हुए भगवान विष्णु को द्रव्य दक्षिणा चढ़ाए। उसके बाद भगवान का मोक्षदा एकादशी का व्रत कथा श्रवण करे तो बहुत ही लाभकारी होगा। उसके बाद भगवान विष्णु की आरती करे, प्रकार विधिवत भगवान विष्णु का पूजन करे और संध्या काल में भी पूजन करे। रात्रि में जागरण करते हुए अगले दिन जाकर के व्रत का पारण करे तो बहुत ही लाभकारी होगा। अगले दिन ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे, ब्राह्मणों को भोजन कराए, गरीबों को भोजन कराए। उसके बाद व्रत का समय के अनुसार पारण करे तो बहुत ही लाभकारी होगा। अब आइए जानते हैं मोक्षदा एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। मोक्षदा एकादशी का व्रत इस बार 25 दिसंबर 2020 दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। मोक्षदा एकादशी तिथि प्रारंभ समय 24 दिसंबर 2020 दिन गुरुवार रात्रि 11:18 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 25 दिसंबर 2020 दिन शुक्रवार रात्रि 1:55। एकादशी तिथि का पारण समय होगा 26 दिसंबर 2020 दिन शनिवार सुबह 6:30 से सुबह 7:50 तक। तो यह जानकारी आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हो तो हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। सुखी रहे और स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।